पार्वती पते हर हर महादेव। देश में चुनावी चकल्लस का माहौल बना हो और बात बनारस की ना हो तो ऐसा कैसे हो सकता है। बाबा विश्वनाथ की नगरी, गंगा किनारे वाला शहर, हिंदुस्तान के प्रधान का संसदीय क्षेत्र आज सियासी रंग में पूरी तरह से सराबोर हो चुका है। तीसरी बार मैदान में प्रधानमंत्री मोदी खड़े हैं। सामने विरोधी जरूर हैं, मगर उन्हें इस बात का इल्म है कि मोदी से टकराना शायद नामुमकिन। हर तरफ शोर जीत का है, मगर बनारस की खासियत है कि वो हर नेता की रैली में भीड़ का शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। लेकिन जब बात ईवीएम पर बटन दबाने की हो तो सुनते सिर्फ दिल की है। 1 जून को ईवीएम पर जब पब्लिक की उंगलियां दबेंगी तो दिल और दिमाग में कौन होगा, इसी सवाल के पड़ताल के लिए एबीपी न्यूज अपने स्पेशल इलेक्शन शो RRR के साथ काशी के सफर पर है। संवाददाता स्नेहलता शुक्ला सिटी बस में सवार होकर वोटर्स के मूड को भांपने निकल पड़ी। तो आइए देखते हैं बनारस वालों ने 2024 में किसका भौकाल टाइट करने का मन बनाया है। नमस्ते, नाम है मेरा स्नेहलता, शो का नाम RRR। RRR का मतलब रेलवे, रिक्शा, रोडवेज। रोडवेज कहाँ की है? ये रोडवेज बनारस का बस अड्डा है, चौधरी चरण सिंह के नाम पर बना हुआ है और यहाँ से बस बन करके जाती है पूरे उत्तर प्रदेश में। जो सवारी होगी वो बताएगी कि 24 चुनाव में वो किसे जिताएगी। चलिए मेरे साथ। कहाँ जा रही है भैया ये बस? ये दोरीघाट तक जा रही है। और आप कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं बड़हलगंज। बड़हलगंज जी। आपके यहाँ से अखिलेश भैया की पार्टी समाजवादी जीत जाएगी? नहीं, कांग्रेस जीतेगी। हम कांग्रेस की सपोर्ट करते हैं। सपोर्टर है कांग्रेस? प्रचार हो रहा है। प्रचार हो रहा है। किसका प्रचार बढ़िया लग रहा है? प्रचार तो सबके ठीक है लगा, तब के कहा लेके जीत जाए। मऊ से? मऊ का माहौल कैसा है? माहौल का अभी तो फिलहाल सपा का चल रहा है माहौल। माहौल चल रहा है। भैया आप कहाँ से हैं? गाजीपुर से। गाजीपुर से हैं? अरे भाई गाजीपुर वाले मिल गए। वीरों की धरती क्या सोच रही है, कौन सूरवीर बनेगा चुनावी मैदान में? इस बार हमारे यहाँ से अफजल अंसारी जी, तो पहले सांसद थे, समीकरण के हिसाब से अफजल अंसारी जी फाइट करें। बीजेपी कह रही है 80 में 80 जीतेंगे। 80 में गाजीपुर भी आती है? 80 में गाजीपुर नहीं आता। नहीं नहीं। कहाँ से हैं भैया? बड़हलगंज से। बड़हलगंज से अमलेश पासवान जीत गयी हैं? उम्मीद कम है मैडम। उम्मीद कम है? कईयों साल से उन्हीं लोगों को जिता रहे हैं, या तो उनके बेट मतलब पुश्तैनी सीट हो गई है। मेन बात है अभी से इस साल काम नहीं हुआ है ना। हाँ। काम किए ही नहीं कुछ। मोदी के नाम पे आते हैं लोग, जीतते अपने नाम पे थोड़ी कोई वोट मांगता है। भाजपा अपने दम पे वोट नहीं मांगती है, मोदी के नाम पे वोट मांगती है। तो मोदी हर जगह नहीं देखेंगे। क्या कहेंगे जब वक्त आएगा तो मालूम चल ही जाएगा। जो भाई का कहला की शिक्षा पर ध्यान देगा, बेरोजगारी पर ध्यान देगा, उसी को ना देखा जाएगा। यहाँ तो बेरोजगारी और शिक्षा पे ध्यान ही नहीं दिया। 5 किलो राशन पे सिर्फ ये हो रहा है बस। 5 किलो सिर्फ राशन देने से अगर हमारा हमारा विकास हो जाए तो हम किसी को मोदी को वोट कर देंगे। अगर हमारा 5 किलो राशन, उससे पैसे तो हमारा पशु चल रहा है, उसके लिए कोई नहीं बोल रहा है। की तरफ ओपी राजभर क्या होगा वो इधर कभी उधर। ओपी राजभर नाम पे कोई वोट नहीं मिलेगा, जो नहीं। भी मिलेगा मोदी जी के नाम पे मिलेगा। अगर वो मोदी जी के साथ नहीं आए होते तो सीट खतरे में थी, नहीं निकालने देते दोरीघाट वाले। क्या बात कर रहे हैं। शहर बनारस रोडवेज यहीं से पूरे राज्य में जा रही है। अब सवारी इंतजार कर रही है या सफर कर रही है पता लगेगा। अच्छा कौन है आजमगढ़? मोदी जी निरहुआ हमारे। आपके जी कब से? बहुत बढ़िया है, कब से नहीं जब से वो आए तब से। प्रधानमंत्री कौन बनाएगा फिर? अब तो चुनाव आने ही देखा जाएगा मैडम ना। अच्छा कहाँ के हैं आप? आजमगढ़। आजमगढ़ निरहुआ जीती है कि नहीं? वो साइकिल ही निकलेगी। हाँ आजमगढ़ से जो गढ़ है ना वो साइकिलें ही निकलेगी। बताइए कहाँ से हैं? आजमगढ़ से। निरहुआ वाले हैं? मोदी जी वाले। मोदी जी वाले हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। निरहुआ बोला था गरीबों के लिए बनाऊंगा,
हाँ वो जीतने के बाद कुछ बोल ही नहीं रहा है। प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए आपके हिसाब से? अरे जो है वही रहना चाहिए। हमारा मटली लोकसभा क्षेत्र है जी। वाले कौन से हैं? हमारे यहाँ के इस समय वर्तमान में बीपी सरोज जी हैं, बीजेपी से सांसद। ठीक है, इस बार मामला तो चुनाव जब नजदीक आएगा तब पता चलेगा। आप लोग तो कैंडिडेट देखते हैं, बताइए ठीक है कि नहीं है। हम तो इस बार नोटा पे दबाएंगे बटन। बहुत नाउम्मीदी है। हाँ एकदम। क्या वजह एक नोटा तक पहुंच गया? हमको तो हम परिवहन विभाग में हम कंडक्टर हैं, परिचालक पद पे कैसर बाग डिपो में। जब हम हमारे विभाग में जैसे अखिलेश जी की गवर्नमेंट रही, उन्होंने भी बस आश्वासन दिया, कुछ किया नहीं। बीजेपी गवर्नमेंट में परिचालक पे कोई ध्यान नहीं दिया, डग्गा मारी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और प्राइवेट को बढ़ावा मिल रहा है। जो कहते हैं कि बीजेपी वालों ने कुछ नहीं किया है, उनको लाइए रोड पे, हम दिखाएं आपको बीजेपी वालों ने क्या क्या नहीं किया है। हाँ तो वो नहीं किया, अब उनको नहीं दिख रहा होगा, वो हमारी तरह चश्मा पहने है। हम तो भाई काले कलर का पहने, वो टीने का पहने होंगे। हम तो काले कलर का पहने, हमारे में शीशा लगा हुआ, वो टीने का पहने होंगे। हाँ जी, बीजेपी चारों तरफ छाई हुई है, बीजेपी को आने से रोकने वाला कोई माई का लाल पैदा नहीं। बस सबका सीधा बात, हमारे बाप दादा दादा के दादा वो काम नहीं कर पाए जो बीजेपी करके जा रही है। अभी हम लोग का कोई काम पड़ जाए, हम लोग जाएंगे तो हम लोग डायरेक्ट बोलेंगे कि हमारे सांसद जी से हमको मिलना है, ये नहीं बोलेंगे। अरे एकदम, कई बार उनका तो हम चरण स्पर्श किए बाबा विश्वनाथ जी में। क्या बात कर, कई बार आए अखिलेश भैया खुद अपना शीशा नीचे करके बनारस का विकास देख रहे हैं। आप भी तो मुख्यमंत्री थे, आपके जमाने में भी ऐसा विकास हो सकता था, लेकिन आपने किया नहीं। चुनाव आ रहा है, सरकार ठीक जा रही है? यहाँ का तो पता नहीं, राजस्थान में तो ठीक ही जा रही है। 25 सीटें हैं, कितनी आएंगी? वहाँ तो मोदी पार करेंगे, वहाँ तो 400 पार जाएगी। महाराष्ट्र पुणे से, पुणे से। हाँ। पुणे से, देखिए यूपी के बाद सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें कहीं आती है तो महाराष्ट्र है। क्या कहते हैं मराठी, मराठी मानुष? अभी 40 के ऊपर आ जाएंगे। नेपाल से घूमने आए हैं? नहीं, यहाँ पे पढ़ते हैं संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय में। पढ़ते हैं संस्कृत विश्वविद्यालय, आचार्य बनेंगे आप? आचार्य जी हैं भावी जी, जी। क्या लग रहा है भविष्य देखिए? ठीक है, फिर मोदी जी आएंगे, वही आएंगे। बहराइच के हैं वो, देवीपाटन मंडल का कोना है, ब्रजभूषण शरण सिंह को जानते होंगे जी, जी। बड़ी चर्चा थी उनकी। हाँ, इसमें आप लोग क्या सोचते हैं? हम लोग भी अच्छा सोचते हैं। अच्छा सोचते हैं, उनको टिकट मिली जिताएंगे? बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। क्या सोच के वोट किया जाए? पूरा विकास हो, विकास हो, हुआ है, हुआ है, हो रहा है, होगा, होगा भी आगे चल के। जीतना तो किसी एक को पड़ेगा। हाँ तो बिल्कुल बीजेपी। ऐसा क्या है मामला? फूल वाले की चल रही है, प्रसाद वाले की चल रही है, ऑटो एक ही खाली नहीं है, बस पूरी फुल चल रही है, ट्रेन भी फुल है, सबको काम मिल रहा है, तो कुछ अच्छा हो गया है ना। मोदी चाहिए। और राहुल गांधी? राहुल गांधी नो को है? नो नो नो। बहराइच से हैं, देवी पाटन मंडल जी, जी, जी। सही है सब? नहीं सही है। हाँ नहीं सही है, बोलिए। शिक्षा, बिजली, स्वास्थ्य चाहिए। सड़क भी आपके यहाँ खराब है? जी जी, सड़क भी खराब है जी, खराब है। बच्चे आज जैसे कि बीए करे हैं, एमए करे हैं, बीटीसी करे, कोई भर्ती आज नहीं आई। दरोगा की भर्ती आई वो भी रद्द हो गई। पेपर लीक हो गया, पेपर होने से पहले पेपर लीक हो जाता है। भैया सही कह रहे हैं जी, उनके समझ में जो आ रहा है वो बता रहे हैं, हमारे समझ में जो आ रहा है हम बता रहे हैं। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी चीज आज के समय में ये है युवाओं के लिए कि अभी रोजगार लोगों के पास नहीं है। आज के युवा हैं, पढ़ लिख रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, गरीब किसान घर के लोग हैं, कैसे कैसे लोग अपने घर से पैसा मंगा के पढ़ते हैं, लेकिन आज तक मतलब मेन जो उनको एम्प्लॉयमेंट देने का काम है, ये टोटल फेल है। आप क्या करते हैं? हम बस ऐसे तैयारी वगैरह करते हैं और जी, भुक्तभोगी है, इसीलिए तो हम बता रहे हैं लोगों का दर्द। वो कह रहे हैं कि रोजगार की वजह से वोट करना चाहिए, मंदिर की वजह से नहीं। नहीं नहीं, सब कुछ मोदी जी ने अच्छा किया है, आखे देश का काया पलट दिया है मोदी जी के पीछे से। एक नेताजी को चुप नहीं रहा जा रहा है, वो बोल दे रहे हैं। आ रहे हैं आपके पास? नहीं हो रहा है, खाली यूपी में ही लीक हो रहा है, राजस्थान में हो रहा भाई। आप 25 अभी तेजस्वी यादव क्या क्या किए, लेकिन कहीं लीक नहीं हुआ। 2 लाख मास्टराई का भर्ती किए। स्टेट का जितना भी एग्जाम है सारा जगह पेपर लीक होता है, सेंट्रल का एक पेपर लीक नहीं होता।
मोदी में गड़बड़ी नहीं है, राज में गड़बड़ी होती है। यानी तब योगी नाथ हुई है, मतलब आपके कहे मतलब यह ना राज में योगी है, योगी नाथ हुई है। इन्होंने ना रोजगार का कोई ठोस कदम उठाया है, ना बेरोजगारी के लिए, ना तो उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के लिए कोई ठोस कदम उठाया है, ना तो बेसिक शिक्षा के लिए कोई कदम ठोस उठाया है। केवल इन्होंने धार्मिक उन्माद को फैलाने का एक बहुत बड़ा प्रोपोगंडा आम जनमानस के बीच में जरूर फैलाया। बड़ी बेरोजगारी और बड़ी महंगाई, ये दो ऐसे शब्द हैं कि जब से मैंने जन्म लिया तब से मैं सुन रहा हूँ और शायद जब तक जीवित रहूंगा तब तक सुनूंगा। हर समय महंगाई रहती है, हर समय बेरोजगारी रहती है, किसी की भी गवर्नमेंट हो इस देश में। और जहाँ तक पेपर लीक की बात है तो पेपर लीक पहले भी हुआ करते थे, अब भी हो रहे हैं। प्रशासनिक कमियां हैं, इससे किसी नेतृत्व का मूल्यांकन नहीं किया। अभी जो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो वोट करेंगे, 80% लोग जो भाजपा को वोट देंगे, प्रधानमंत्री का चेहरा, प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी को दे रहे, क्यों दे रहे हैं? आज अयोध्या लोग अगर अभी इतना बस में क्यों जा रहे हैं? 500 बरस का कलंक कौन मिटाया? दा बना सकते हैं। 400 पार मिटाने जा रहा है, पक्की बात है, पक्की बात है। झारखंड में देखिए हम लोग 14 में 14 सीट देने जा रहे हैं, देने जा रहे हैं। मुक्ति मोर्चा और के साथ कोई भी आ जाए, अरे क्या बात कर रहे, क्या बात कर रहे हैं। भले मुकाबला करेगा लेकिन चुनाव नहीं जीत पाएगा। मोदी सरकार कोई कितना लड़ ले फिर आएगी, मोदी सरकार कोई लड़ ले मोदी सरकार फिर आएगी। भाई ये बनारस है गुरु, और बनारस में भीड़ वाले भी आए हैं, भीड़ देख के खुश हैं और कह रहे हैं कि अयोध्या जाएंगे और आने वाले वक्त में 4 तारीख को क्लियरली बताएंगे कि दिल में क्या है।